हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं कलयुग हूं और काल की आज्ञा से इस धरती पर अवतीर्ण हुआ हूं। अब मैं आपके राज्य में प्रवेश करने वाला हूं। तुम्हारी ये धृष्टता, तुम्हारा ये साहस कि तुम पांडव वंशी परीक्षित के होते इस धरती पर उतरना चाहते हो, इस सृष्टि से धर्म का नाश करना चाहते हो, इससे पहले हम तुम्हारा नाश कर देंगे। राजन, प्रकृति के नियम अटल है, काल की गति किसी के बाणों से नहीं रुक सकती। राजन, मैं आपकी शरण में आया हूं और शरण में आए हुए को स्थान देना आपका धर्म है, इसलिए मुझे वो स्थान बताइए जहां मैं रह सकूं। हम तुम्हें केवल 4 स्थानों में रहने की अनुमति देते हैं, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मद्यपान होता हो, जहां परस्त्री संघ हो और जहां हिंसा होती हो। ये 4 स्थान सीमित है, मुझे कोई और स्थान भी प्रदान करें। क्योंकि धन में रजोगुण का वास है, सो तुम सोने में भी रह सकते हो। श्रीमद् भागवत की ये कथा मैंने कलयुग के आरंभ में स्वयं महामुनि शुक के मुखारविंद से तब सुनी थी, जब उन्होंने राजा परीक्षित को ये कथा केवल 1 सप्ताह में उस समय सुनाई थी, जब एक ऋषि कुमार के श्राप के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु में केवल 7 दिन रह गए थे। हे परम पूज्य सूत जी, राजा परीक्षित तो बड़े धर्मात्मा राजा थे। वो महाप्रतापी पांडवों के पौत्र और वीर अभिमन्यु के पुत्र थे। फिर ऐसे पुण्य आत्मा राजा को किसी ऋषि कुमार ने श्राप क्यों दिया? शौनिक जी, ये भी काल का ही विधान है कि महाराज परीक्षित जैसे धर्मप्रायण और प्रतापी राजा को एक बालक के श्राप का दंड भोगना पड़ा। परंतु जब परीक्षित को श्राप मिला, तब धरती पर कलयुग का पदार्पण हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण मृत्यु लोक में अपनी लीला समाप्त कर चुके थे। उनके बाद पांडव भी संसार से विरक्त होकर अपने पौत्र परीक्षित को राज्य सौंपकर स्वयं हिमालय को चले गए थे, और कलयुग चुपचाप एक चोर की भांति मृत्यु लोक में प्रवेश कर चुका था। एक दिन शिकार खेलते खेलते महाराज परीक्षित जंगल में गए। हमारा मार्ग रोकने वाले कौन हो तुम? महाराज परीक्षित, मैं कलयुग हूं और काल की आज्ञा से इस धरती पर अवतीर्ण हुआ हूं। अब मैं आपके राज्य में प्रवेश करने वाला हूं। तुम्हारी यह धृष्टता, तुम्हारा यह साहस कि तुम पांडव वंशी परीक्षित के होते इस धरती पर उतरना चाहते हो, इस सृष्टि से धर्म का नाश करना चाहते हो, इससे पहले हम तुम्हारा नाश कर देंगे। राजन, प्रकृति के नियम अटल है, काल की गति किसी के बाणों से नहीं रुक सकती। जैसे सतयुग के पश्चात त्रेता युग आया, फिर त्रेता युग के पश्चात जिस प्रकार द्वापर युग का आना कोई रोक न सका, उसी प्रकार द्वापर युग के पश्चात कलयुग का आना निश्चित है। इसलिए ज्ञानी जन काल के साथ लड़ाई नहीं करते। यदि कलयुग के आने का समय हो गया है, तब भी राजा परीक्षित के रहते उसका आगमन नहीं हो सकता। यदि परीक्षित का रहना काल की गति में रुकावट है, तो संभव है कि परीक्षित के न रहने का समय आ गया। ओ विधाता जाने, किंतु वीर पुरुष मृत्यु के भय से अपने संकल्प का त्याग नहीं कर देते। तो हे कलयुग, तुम हमारे राज्य की सीमा से बाहर निकल जाओ।
राजन, काल तो सार्वभौम है, वो किसी सीमा को नहीं मानता। मानना पड़ेगा, हमारा ब्रह्माव्रत धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस ब्रह्माव्रत से बाहर रहना होगा तुम्हें, अन्यथा आज विधाता भी देख लेंगे कि महारथी अर्जुन के पौत्र, जिसकी गर्भ में रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी, उसके बाणों में इतनी शक्ति है कि वो कलयुग का समूल नाश कर सकता है। राजन, आपका वचन भी रह जाए और प्रकृति का नियम भी न टूटे, इसलिए मैं आपके जीवन काल तक अपने आप को कुछ सीमाओं में बांधना स्वीकार करता हूं। राजन, मैं आपकी शरण में आया हूं और शरण में आए हुए को स्थान देना आपका धर्म है, इसलिए मुझे वो स्थान बताइए जहां मैं रह सकूं। तुमने पांडव वंशी राजा से शरण मांगी है, हम तुम्हें रहने का स्थान अवश्य देंगे, परंतु तुम अधर्म के सहायक हो, इसलिए हम तुम्हें केवल 4 स्थानों में रहने की अनुमति देते हैं। जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मद्यपान होता हो, जहां परस्त्री संग हो और जहां हिंसा होती हो, उन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, काम और निर्दयता, ये 4 अधर्म निवास करते हैं, सो तुम वहीं रहो। प्रभु, ये 4 स्थान सीमित हैं, मुझे कोई और स्थान भी प्रदान करें। अच्छी बात है, क्योंकि धन में रजोगुण का वास है, सो तुम सोने में भी रह सकते हो। जो आज्ञा प्रभु। महाराज के सिर पर सोने का मुकुट था, सो कलयुग सर्वप्रथम उसी में बैठकर मुस्कुराने लगा। उस दिन परीक्षित शिकार की तलाश में बहुत भटके। भूख और प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। सांझ के समय थके हारे वो शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि उस समय समाधि में ब्रह्मलीन थे। हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। यहां और कोई भी नहीं है क्या? आप सुन रहे हैं, हम राजा परीक्षित बोल रहे हैं, हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। आपको सुनाई नहीं देता क्या? ऋषि उस समय समाधि में ब्रह्मलीन थे। राजा ने 2-3 बार पानी मांगा, परंतु ऋषि की समाधि नहीं टूटी। राजमुकुट में बैठे कलयुग की प्रेरणा से उनकी सात्विक बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये कोई पाखंडी है, झूठ मूठ की समाधि का ढोंग रचाकर अपना प्रभाव डालना चाहता है। राजा का स्वागत नहीं, आसन नहीं, जल तक नहीं पूछा, इसी समय इस दुष्ट का वध कर देना चाहिए। अवश्य, ये दंड का अधिकारी है। परंतु राजा ने गूढ़ संस्कारों के कारण अपने आप को उस पाप से रोक लिया।
क्रोधवश उन्होंने एक मरा हुआ सांप महर्षि शमीक के गले में डाल दिया। उस शमीक मुनि का पुत्र श्रृंगी बड़ा तेजस्वी बालक था। वो उस समय नदी में नहा रहा था। दूसरे ऋषि कुमारों ने वहां जाकर उसे सारा वृत्तांत सुनाया कि किस प्रकार एक राजा ने उसके पिता का तिरस्कार किया है। उनकी बात सुनकर वो क्रोध से पागल हो गया और उसी क्षण नदी का जल अंजलि में भरकर उसने राजा को श्राप दिया। जिस अभिमानी और मूर्ख राजा ने मेरे महान पिता का ऐसा घोर अपमान किया है वही महापापी आज से सातवें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी प्रचंड विषाग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। ये मेरा श्राप इस धरती पर किसी के ताले से नहीं टल सकेगा। ये विनोद मेरे साथ किसने किया? गुरुदेव, कोई राजा आया था। कोई राजा? हाँ, किसी घमंडी क्रूर और महापापी राजा ने ये दुष्कर्म किया है, परंतु वो इसका दंड अवश्य भोगेगा। मैंने उसे भयंकर श्राप दिया है। श्राप? हाँ पिताश्री, आपका जो अपमान करेगा वो उस पाप का दंड अवश्य पाएगा। तक्षक नाग के विष में जो भयंकर ज्वाला होती है आज से सातवें दिन उसी ज्वाला की लपटों में वो पापी भस्म हो जाएगा। तुम जानते हो वो कौन था? नहीं। बिना जाने ही दंड दे दिया? वत्स, तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया। एक बड़े ही यशस्वी धर्म धुरंधर सम्राट को एक छोटी सी भूल के लिए इतना भयानक श्राप दे दिया है। वो परम भक्त गऊ और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, अपनी प्रजा को संतान की भांति पालने वाले ऐसे राजऋषि हैं जिनका सम्मान देवता भी करते हैं। मूर्ख बालक, ऐसे राजा के न रहने पर जो संसार में अनाचार फैलेगा, वैदिक आर्य धर्म का लोप हो जाएगा, लोक वर्ण संकर हो जाएंगे। इस पाप में तुम्हारा भी भाग गिना जाएगा। तपस्या से शक्ति अवश्य मिलती है, परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस शक्ति का प्रयोग अपना बदला लेने के लिए कभी नहीं करते। भक्त अपने अपमान आक्षेप अथवा मारपीट का बदला भी नहीं लेते। तुमने तो एक निर्दोष राजा पर प्रहार किया है जिसकी बुद्धि कुछ समय के लिए कलिकाल ने हर ली थी। तुमने ये घोर अनर्थ किया है।
अरे ये क्या कर दिया मैंने? प्राणनाथ, आप सहसा घबरा क्यों गए, जैसे किसी आशंका से भयभीत हो उठे हो? रानी, मैं भयभीत हो गया हूँ। यह कलयुग का पहला प्रहार है, आगे क्या होगा उसी का भय है। कैसा प्रहार? आज मेरे हाथ से एक अनर्थ हो गया, जो हमारे कुल में किसी राजा ने अब तक नहीं किया, वो अपमान किया है मैंने एक महामुनि का। ये सब इस राज मुकुट के कारण है। इस राज मुकुट में बैठे कलयुग ने मेरी बुद्धि हर ली और मुझसे ऐसा पाप करा दिया जो निश्चय ही विनाश का सूचक है। मुनिवर, महाराज दिन भर वन में मृग्या करते करते थक गए हैं, इस समय रनिवास में वो विश्राम करने चले गए हैं। आप कल प्रातः ही उनके दर्शन कर सकते हैं, ये उनकी निद्रा का समय है। नहीं वत्स, ये उनकी निद्रा का नहीं, जागने का समय है और मैं उन्हें जगाने आया हूं। उन्हें अपनी आती हुई मृत्यु का ज्ञान नहीं है। कल प्रातः तक तो बहुत समय निकल जाएगा, इसलिए मेरा उनसे इसी समय मिलना परम आवश्यक है। इसी में उनकी भलाई है। जाओ, तुरंत उन्हें हमारे आने की सूचना दो। जो आज्ञा मुनिवर। फिर क्या? ये सोने का बोझ सिर से उतरा है तो पवित्र बुद्धि जागी है। मैं इसके लिए कड़े दंड का अधिकारी हूँ। यदि आप उनके पास जाके क्षमा मांग लें तो आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। वो क्षमा करें या न करें, मेरा एक अपराधी की भांति उनके श्री चरणों में जाना आवश्यक है। मैं प्रातः ही जाऊंगा। महाराज की जय हो। क्या है? द्वार पे महामुनि शमिक महाराज के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वयं महामुनि शमिक? जी महाराज। क्या वो क्रोध में हैं? रानी, वो क्रोध में हो या न हो, इससे हमारे धर्म और कर्तव्य में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। महामुनि राजद्वार पर खड़े हैं, हमें उन्हें राजमहल में लाकर उनका यथोचित आदर सत्कार करना चाहिए। महाराज, आपके आगमन से राजमहल पवित्र हो गया। मुनिवर, इससे पहले कि आप हमारे दुष्कर्म की बात कहें, हम अपना अपराध स्वीकार करते हैं और आपको यह आश्वासन देते हैं कि हमारे उस जघन्य अपराध के लिए जो भी दंड आप देना चाहेंगे, हम उसे शिरोधार्य कर लेंगे। राजन, तुम सचमुच में एक महात्मा हो। हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख चुके हैं, जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे राज मुकुट में बैठे हुए कलयुग के प्रभाव के कारण हुआ। इसमें तुम्हारा दोष नहीं था, दोष तो समय का है। इसीलिए हमारे हृदय में ये सोच कर अत्यंत पीड़ा हो रही है कि जिस अपराध के लिए वास्तव में कोई और दोषी है, उसके लिए तुम्हें इतना कठोर दंड भोगना पड़ेगा। प्रेरणा चाहे किसी की भी हो, परंतु दोष तो मेरे ही द्वारा हुआ है, उसके लिए मुझे दंड मिलना उचित ही होगा। इसलिए हे मुनिवर, आप हमें कठोर से कठोर दंड देने में संकोच न करिए। नहीं राजन, मैं तुम्हें कदापि दंड नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं तुम्हें दोषी मानता ही नहीं, तो दंड क्यों दूंगा? यहां तक कि मेरे वश में होता तो लोक कल्याण के लिए वो दंड तुम्हारे बदले मैं स्वीकार कर लेता। कलयुग में प्रजा को तुम्हारे जैसे राजा फिर कहां मिलेंगे? तुम्हारे जैसे धर्मात्मा राजा के जीवन की रक्षा करना लोक कल्याण का काम है, परंतु क्या करूं, मेरे वश में कुछ नहीं रहा, तुम्हारा दंड निर्धारित हो चुका है। प्रभु, ये दंड किसने निर्धारित किया है? मेरे पुत्र ऋषि श्रृंग ने। उसने जब मुनि बालकों के मुंह से यह सुना था कि किसी राजा ने
उसके पिता के गले में मरा हुआ सांप डालकर उसका घोर अपमान किया है तो उसी क्षण क्रोध के वशीभूत होकर उसने तुम्हें यह श्राप दिया था कि आज से सातवें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नहीं। रानी, इन्हें रनिवास में ले जाओ। जो आज्ञा। विधि के धनुष से दुर्भाग्य का ये वान निकल चुका है, वह वापस नहीं होगा। मैं तुम्हें यही बताने आया हूं कि इस संसार में अब तुम्हारे बचने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए इन सात दिनों में तुम अपना परलोक सुधारने का उपाय करो। जिस स्त्री पुत्र की तुम चिंता कर रहे हो वो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। चिंता और मोह को छोड़कर तुम इसी क्षण अपने गुरुजनों से परामर्श करो, जिससे तुम्हें वो सन्मार्ग दिखाएं जिस पर चलकर मानव मोक्ष को प्राप्त करता है, ताकि जब तुम इस देह को त्याग कर दूसरे लोक में जाओ तो वहां तुम्हारा वैसा ही सत्कार हो जैसा महात्मा पुरुषों का देवलोक में होता है। राजन, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। महाराज परीक्षित, इस प्रकार सहसा अर्धरात्रि के समय आने का कारण सब कुशल तो है ना? गुरुदेव, मुझे अभी अभी पता चला है कि महामुनि शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने मुझे शाप दिया है जिससे आज से सातवें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। भगवान, मैं ये जानने के लिए आपके पास आया हूं कि जिस मनुष्य के जीवन के केवल सात दिन रह जाए वो ऐसा क्या करे, कौन सा कर्म करे जिससे उसका परलोक संवर जाए, वो मुक्ति पा सके। राजन, जिसे मुक्ति की कामना हो उसके पास एक ही मार्ग है, भक्ति का मार्ग। परंतु प्राणी के हृदय में भक्ति का भाव किस तरह प्रवाहित हो, भक्ति का बीज किस तरह अंकुरित हो, इसका कोई सरल साधन है? है, अति सरल साधन है। भगवान वेदव्यास ने लिखा है कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। अर्थात जो फल तपस्या योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन अर्थात कृष्ण लीला का गान करने से सहज ही मिल जाता है। इसलिए तुम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और कीर्तन करो, उसमें श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का पवित्र वर्णन है। उसी के श्रवण से उत्पन्न हुई भक्ति ही तुम्हारे मोक्ष का कारण होगी। ऐसा है तो गुरुदेव, अपना सेवक जानकर मुझे भागवत कथा का दान दीजिए। राजन, इस समय उसके पूर्ण अधिकारी भगवान वेदव्यास के पुत्र भगवान शुकदेव ही हैं। तुम उनकी शरण में जाओ, वो अवश्य तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान कराएंगे। ज्ञान के पर्वत ध्यान के सागर बाल यति शुकदेव कहाए, वेद समस्त और शास्त्र सभी मुनिराज के मानस माही समाए। ऐसे महातपधारी के द्वार पे याचक बन के परीक्षित आए, जान मनोरथ राजन का मुनिराज कृपा के घन बरसाए। हे ब्रह्म ऋषि, आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न करता हूं। प्रभु, जो पुरुष मृत्यु के द्वार पर खड़ा हो ऐसे मरणासन्न पुरुष को क्या करना चाहिए? परीक्षित, ये प्रश्न जो तुमने किया है इसमें लोकहित भी छुपा हुआ है।
क्योंकि वास्तव में सभी मनुष्य मृत्यु के द्वार पर ही खड़े होते हैं, हालांकि वो इसे जानते नहीं हैं। तुम्हारा प्रश्न है कि मृत्यु के द्वार पर आया हुआ मनुष्य क्या करे? हे राजन, इसका उत्तर सुनो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं, मृत्यु के आक्रमण से पहले ही वो वैराग्य की तलवार से शरीर की ममता को काट दे और ओम रूपी प्रणव का मन ही मन जप करे, प्राण वायु को वश में करके अपने मन का दमन करे, बुद्धि की सहायता से इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और मन से भगवान की मंगलमय मूर्ति का ध्यान करते करते प्रभु के श्री विग्रह में पूर्ण रूप से लीन हो जाए। तब मनुष्य को तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए शास्त्रों ने कलयुग में सबसे सहज एक ही साधन बताया है, भक्ति। इसलिए हे राजन, मैं तुम्हें भागवत पुराण की कथा सुनाऊंगा, जो भक्ति रस की ऐसी गंगा है कि जो प्राणी एक बार उसमें स्नान कर लेता है वो फिर भक्ति रस की उस नदी से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, उसी में डूब जाता है, वही उसका मोक्ष है।